उधर चिनाब खत्ते में भी आज पूरे दिन क्रिसमस की रौनकें देखने को मिली। रामबन में गोशन चर्च के अलावा बटोत वाक़े एबेनेजर चर्च में भी पादरी जेम्स मसीह की क़यादत में खुसूसी दुआएं मांगी गई। दुआ के बाद बच्चों ने क्रिसमस के सॉन्ग गाए, गाने गाए। इस दौरान बच्चों की सारी तवज्जो सेंटा क्लॉस पर रही, जो बच्चों में टॉफियां बांटते हुए दिखाई दिए। इस मौके पर चर्च इंतजाम की तरफ से अकीदतमंदों और आम लोगों के लिए नाश्ते पानी का भी इंतजाम किया गया था। आज जहाँ पर अबनेजर चर्च बटोट के अंदर जो क्रिसमस है, जो बहुत धूमधाम से मनाया गया और जहाँ पर बहुत ही लोगों ने और बच्चों ने आकर वहाँ पर कार्यक्रम किया और प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन पर एक दूसरे को बधाई भी दिया। और प्रभु यीशु मसीह का जो जन्मदिन है, जो क्रिसमस जो है, हमें जो एक जो मानव जाति को एकता में रहने के लिए सिखाता है और प्रेम करने के लिए, और हमें मुक्ति की ओर ले चलता है और शांति की ओर। तो चर्च में प्रोग्राम का अहतमाम किया गया और क्रिसमस के मौके पर न सिर्फ चर्च में बल्कि कई जगह पे ऐसे जलसे जुलूस भी देखने को मिले, जहां पे सेंटा क्लॉज हाथों में कई सारी रौनक भरी चीज़ें और बच्चों के लिए टॉफियां तकसीम करते हुए दिखाई दिए। उसके साथ साथ बड़ी तादाद में लोग प्रोग्राम में शामिल हुए थे। बच्चों ने डांस किया, सॉन्ग गाए, नाचा और इस क्रिसमस के मौके पर झूम करके अपनी खुशियों का इजहार किया। उसके साथ साथ कई ऐसे प्रोग्राम भी मुनक़द हुए जिसमें बच्चों ने ईसा मसीह की जो कोटेशंस है उसे दोहराया, उस पर अमल करने की बात कही और बड़ी तादाद में ख़ासतौर पर ख़वातीन ने इस प्रोग्राम में, इस तरह के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उसके साथ साथ जो आने वाले प्रोग्राम्स हैं उसमें भी उसके बारे में भी तफसीली जानकारी दी। सेंटा क्लॉज ने बच्चों से हाथ मिलाया, गले मिले और एक खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिला। बड़ी तादाद में औरत मर्द सब शामिल हुए थे और ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लोगों की ज़िंदगी में कई सारे बदलाव का एक ज़रिया भी बनते हैं, क्योंकि जितने भी ये बड़े लोग होते हैं, जितने भी ऐसे लोग जो मैसेंजर हों या फिर जिनकी ज़िंदगी हम सभी के लिए, आम लोगों के लिए नमूना हो सकती है, उस पर लोग चलने की कोशिश करते हैं। सीधा रुख करेंगे रामबन का, हमारे नुमाइंदे खुर्शीद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्शीद, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज क्या कुछ प्रोग्राम देखने को मिला आज आपको रामबन के अंदर। जी बिल्कुल, देखिए ये पूरे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में आज जो है प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन था और इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज ये माहौल देखा। हर चर्च में जितने भी चर्च है तो उसी को लेके आज जिला रामन के जो मुख्य चर्च था, सबसे बड़े चर्च जो है रामन में, वहाँ पे ये प्रोग्राम किया गया और काफ़ी तादाद में इसमें लोगों ने हिस्सा लिया है। और ये गोशन चर्च जो है रामन का, यहाँ पे ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया जिसमें सरफिन सन्नी जो थे मुख्य अतिथि वहाँ पे थे और इनकी देख रेख में ये प्रोग्राम हुआ और इसमें काफ़ी तादाद में जो है बच्चों ने शिरकत की है। काफ़ी तादाद में लोग आए, महिलाएँ आए, उन्होंने पहले तो जो बाइबल है वो उसकी तिलावत की गई, कुछ आयतें वहाँ पे बच्चों को सुनाई गई, तिलावत कर दी गई है और खासकर इंडियन आर्मी जो है इसमें हिस्सा ले लिया और इंडियन आर्मी ने भी इसमें बच्चों में जो है टॉप की चॉकलेट जो है तकसीम किया और एक दूसरे को जो है मुबारकबाद दी गई, गले मिले और अपने पूरे देश के, भारत के लिए, खासकर जम्मू कश्मीर के लिए जो है अमनो अमान की वहाँ पे प्रार्थना की गई है कि ताकि हमारा देश, हमारा स्टेट जो है जम्मू कश्मीर, ये तरक्की करे, खुशहाली और अमन इस हमारे देश में बहाल रहे, इसके लिए खुसूसी दुआ की गई है वहाँ पे चर्च में और एक दूसरे को मुबारकबाद दी गई। तो काफ़ी तादाद में बड़े जोश खरोश से जो है इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया गया। जितने भी कम्युनिटीज है यहाँ पे रामन में, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, सबने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और इस प्रोग्राम को कामयाब किया। जी बिल्कुल, आइंदा भी क्या इस तरह के प्रोग्राम न्यू ईयर तक होने के इम्कान हैं? कुछ इस तरह की कोई खबर सामने आई है, कोई कार्निवाल, कोई जुलूस या कोई प्रोग्राम्स के बाद? देखिए जब न्यू ईयर होता है, नया साल जब आगाज होता है इसका, तो 5 दिसंबर को जो है ईसा मसीह का दिन होता है। तो मैं आपको बताऊं कि 22 तारीख से ही रामन में जो है अलग अलग चर्चों में ये प्रोग्राम किया गया। तो फिलहाल जो है ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है कि नए साल लगने से पहले जो है कहीं जुलूस निकाला जाएगा या कहीं प्रोग्राम किया जाएगा। 22 तारीख से मैं आपको बता दूं कि ये प्रोग्राम यहाँ पे, चाहे शुमुलदान की हम बात करें, बटोत की बात करें, रामन के मुख्तलिफ जो सब डिवीजन है वहाँ की बात,
करें तो वहाँ 22 तारीख से ही जो है ये प्रोग्राम चलते रहे और लोग शिरकत करते रहे इसमें। तो आज 25 तारीख था, आज फाइनल दिन था, ईसा मसीह प्रभु का जन्मदिन था और इसमें आज काफी तैदाद में लोगों ने शिरकत की। तो फिलहाल जो है आगे जो नया साल आने वाला है कुछ ही दिन बचे हैं, तो ऐसा कोई अपडेट हमारे पास अभी नहीं है कि इस पे कोई तो उम्मीद ये की जा सकती है कि ये प्रोग्राम लोगों की जिंदगी में तमाम तर खुशियां लेकर के आए। बहुत शुक्रिया खुर्शीद तमाम तर मालूमात के लिए।